सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रविवार को भाजपा विधायक राजीव तरारा ने मुख्यमंत्री जनवरी आरोग्य अभियान के तहत मुख्यमंत्री आयुष्मान कार्ड वितरण किए कार्यक्रम के दौरान सीएचसी में स्वास्थ्य विभाग के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान आयुष्मान कार्ड पाकर लाभार्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। कार्यक्रम के दौरान विधायक राजीव तरारा ने बताया कि मुख्यमंत्री जनवरी आरोग्य अभियान के तहत आज गजरौला सीएचसी में आयुष्मान कार्ड वितरण किए गए हैं, जिसमें भारी संख्या में गरीब लोग मौजूद रहे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार तमाम ऐसे कार्य कर रही है जिनसे सीधा सीधा गरीबों को लाभ मिलने वाला है। जी विधायक जी, आज जो पत्र वितरण का कार्यक्रम किया गया है, इसके बारे में बताएं। जिस तरह से हमारा आयुष्मान कार्ड माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था, 5 लाख जिसमें इलाज की व्यवस्था थी, हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने भी बजट में व्यवस्था करके जो आयुष्मान कार्ड से छूटे थे उनको मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से जोड़ा गया है, और इसमें भी 5 लाख रुपये तक निःशुल्क उस परिवार को अपना इलाज कराने की सुविधा दी गई है। किसी भी अस्पताल में जाकर के उत्तर प्रदेश या उत्तर प्रदेश के बाहर संपूर्ण भारतवर्ष में जो हॉस्पिटल हमारी सरकार या चिकित्सा विभाग द्वारा चिन्हित होंगे, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो, उसमें वो परिवार अपना 5 लाख रुपए तक का इलाज करा सकता है। तो ये मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड आज हमारे सीएससी गजरौला में सीएमओ हमारे अमरोहा वाले यहाँ पर उपस्थित हैं, अत्री जी उपस्थित हैं, डॉक्टर योगेंद्र जी और हमारी महिला मोर्चा की अध्यक्ष भी यहाँ पर शशि जी उपस्थित रही हैं, और सभी को इसका लाभ मिले इस मंशा के साथ आज बड़ी संख्या में कार्ड वितरण का कार्य किया गया। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।